हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में गुड़हल की चाय पीने के फ़ायदों के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, चाय हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगातार काम करते हुए जब भी हम थकान महसूस करते हैं, तब एक गर्म चाय की चुस्की बहुत ही कम समय में हमारी सारी थकान दूर कर देती है। सुबह सोकर उठने के बाद एक कप चाय हमें नई ऊर्जा से भर देता है और हम दिन भर काम करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाते हैं। चाय की पत्तियों, दूध और चीनी की मदद से आपने बहुत बार चाय बनाई होगी, लेकिन क्या कभी गुड़हल के फूलों की चाय बनाई या पी है? गुड़हल की चाय के कई फायदे होते हैं। यह वजन कम करने में मदद करने के साथ साथ कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी फायदे देने के लिए मशहूर है। तो आइए जान लेते हैं गुड़हल की चाय के फायदों के बारे में। वजन घटाए, मोटापा कम करने में गुड़हल की चाय काफ़ी फायदेमंद है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को सक्रिय बनाते हैं। इससे आपका वजन आसानी से कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल तथा दिल संबंधी रोगों के लिए फायदेमंद। कई बार हम जो खाते हैं उसमें अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से शरीर को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। यह हमारी धमनियों को ब्लॉक कर देता है, जिससे दिल संबंधी बीमारियों होने का खतरा बढ़ जाता है। गुड़हल का चाय पीने से दिल संबंधी कोई भी रोग नहीं होता, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहता है। ब्लड प्रेशर करे कंट्रोल। ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर गुड़हल की चाय पीनी चाहिए। रोजाना एक कप गुड़हल चाय पीने से बहुत जल्द ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। कैंसर रोके। गुड़हल की चाय आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी बचाता है। यह कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को कम कर देता है, जिससे कैंसर तेजी से नहीं बढ़ पाता। कैसे बनाए गुड़हल की चाय? गुड़हल की चाय बनाने के लिए सबसे पहले इसके फूलों को साफ पानी से धोकर उबलते हुए पानी में डाल दें और इसमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दें। कुछ देर वैसे ही छोड़ दें और फिर छान लें। इसे 20 मिनट से अधिक न पकाएं, नहीं तो चाय का स्वाद कड़वा हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा शहद और कुछ बूंदे नींबू की डालकर पिएं। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।